खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। उत्तर प्रदेश में मंचलों के हौसले लगातार बुलंद है। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मंचले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन यूपी में कोई ना कोई नई खबर सुनने को मिल ही जाती है। तो वहीं बुलंदशहर में एक लड़की अपने चाचा के साथ जा रही थी, तभी मंचलों ने उनके साथ छिड़खानी शुरू कर दी और उनकी बाइक मंचलों के बुलेट से टकरा गई, जिस दौरान लड़की की मौत हो गई। लखनऊ में भी एक सीनियर वकील ने जूनियर वकील के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद से ही जूनियर वकील इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। तो वहीं इससे पहले हापुड़ में 6 साल की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म किया गया। गाजियाबाद में भी एक पत्रकार को इसीलिए मार दिया गया था क्योंकि उसने अपनी भांजी से छेड़खानी का विरोध किया था। सत्ता में आते ही योगी सरकार ने ऑपरेशन मजनू चलाया था, लेकिन इस समय सब ऑपरेशन फेल होते जा रहे हैं। एक तरफ तो कोरोना महामारी चल रही है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, और दूसरी ओर ये लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। और साफ तौर पर यहाँ पर हर दिन किसी ना किसी के मौत की खबर सामने आती है। मंचलों के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि जब सत्ता में योगी सरकार आई थी उस वक्त कई सारे ऑपरेशन लेकर आई थी, आखिर उन ऑपरेशंस का क्या हुआ, क्यों इस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। और शिव त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही पंकज चतुर्वेदी भी हमारे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। दोनों से बातचीत करेंगे यूपी में हो रहे अपराध को लेकर, लेकिन सबसे पहले ताजा मामला क्योंकि बुलंदशहर का है, इस पर शिव फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल रही है, क्या अभी तक किसी ने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ली है? देखिए, घटना के बाद से बुलंदशहर के जो आला अधिकारी हैं उनके द्वारा एक जांच गठित टीम बनाई गई है और जो जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वहां के जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज थे उनको खंगालने का काम किया जा रहा है। कुछ लोग जो बाइक है वो वहां से जाती हुई दिख रही है, उसमें इस तरीके के जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी संज्ञान में आए हैं और ऐसे में पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ का काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन ये पूरी घटनाक्रम जिस तरीके से सामने आया उसके बाद कहीं ना कहीं जो शुरुआती तौर पे जो पुलिस का लचीलापन है वो सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम सामने आया उसके बाद पुलिस के द्वारा ये कहा जाता है कि लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहती है, तमाम जगहों पे पीसीआर वैन तैनात की गई है, डायरेक्ट तो बड़ा है वो तमाम जगहों पे तैनात रहती है, और ऐसे में इस तरीके की जो हरकत मंचलों के द्वारा की जा रही थी तो उस दौरान पुलिस का क्यों निगरानी नहीं रखी गई, जो तमाम जो सीसीटीवी फुटेज तमाम जगहों पे पुलिस के द्वारा लगाए गए थे वो उस समय काम क्यों नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से ये घटना सामने आई, आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के दादरी में रहने वाली ये सुरक्षा भाटी थी और यहाँ पे वो 20 अगस्त तक रहने वाली थी, अपने परिजनों से यहाँ पे मिलने आई थी और पूर्व में समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उनको स्कॉलरशिप उस दौरान दी गई थी और ऐसे में विदेश में पढ़ने के लिए वो यहाँ से गई थी और काफी होनहार छात्रा थी। और सबसे आपको बताने की यहाँ पे जब वो अपने परिजनों के साथ बुलंदशहर जा रही थी और टीसी लेने के लिए वो अपने परिजनों के चाचा के साथ वहां जा रही थी, तभी उस दौरान कुछ मंचले थे जो बुलेट पे सवार थे और वो काफी देर तक वो बाइक का पीछा करते रहे, ओवरटेक करते रहे, उस दौरान वहां पे स्टंट दिखाने की भी मंचलों के द्वारा वहां हरकत करेगी जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। लेकिन फिलहाल पुलिस के अधिकारी भले ही इस मामले में जांच शुरू कर दें, लेकिन सही ना सही शुरुआती तौर पे पुलिस की लापरवाही सामने आई है, क्योंकि अब से पूर्व में अगर बात करें तो बुलंदशहर से सटा हुआ गाजियाबाद इलाका है, गाजियाबाद में भी एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी, करीब 910 वहां पे बदमाश थे जिन्होंने गोली सटा कर पत्रकार को सरेआम चौराहे पे मार दी थी। अब से पत्रकार का कितना पत्रकार के द्वारा शिकायत करी गई थी क्योंकि उसकी भांजी के साथ वहां पे छेड़खानी की जो वारदात होती थी घटनाएं होती थी उसके उसने इसका विरोध किया था, उसी को लेके वहां पे नजदीकी चौकी पे उसके द्वारा शिकायत करी गई थी, जिसके बाद सबके सामने ये घटना आई थी कि पत्रकार की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस जो है उसके बाद आनंद फानंद में, क्योंकि पत्रकार की हत्या का जो तमाम सीसीटीवी फुटेज थे वो सामने आए थे, ऐसे में सीएम योगी ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया था। तो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जो यूपी पुलिस का
लचीलापन है, कार्रवाई है या किस तरीके का वर्किंग स्टाइल है, वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, शुरुआती तौर पर जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई थी उसके बाद से जो ऑपरेशन मजनू चलाया गया था, तमाम जो है ऑपरेशन चलाए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो धरातल पर जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, तमाम जो घटनाएं आए दिन सामने आ रही है। और जिस तरीके से गाजियाबाद में घटना सामने आई थी उसके बाद 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, 1 आरोपी को अभी 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया। कहीं ना कहीं पुलिस का वर्किंग स्टाइल है उस पर एक सवाली निशान जो भी पड़ा हो रहा है। बुलंदशहर वाली घटना को देखते हुए साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं समय घटने का पुलिस के द्वारा उसमें इस मामले में कार्रवाई की जा रही तो ये घटना ना सामने आती। ठीक है शिव, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आगे भी आपसे जानकारी लूंगी। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जुड़े हैं लखनऊ से, हमारे संवाददाता लाइव, उनसे हम बातचीत करेंगे। पंकज, एक तरफ बुलंदशहर की घटना देखिए और कुछ रोज पहले ही लखनऊ से जो घटना सामने आई थी, जो जूनियर वकील के साथ सीनियर वकील ने छेड़खानी की थी, क्या अभी इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई है, क्या अभी कोई और जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले में? देखिए, जहाँ तक लखनऊ की महिला वकील की बात है तो मुकदमा उसी समय दर्ज किया गया था अंशिका, लेकिन जो जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था यौन शोषण का आरोप लगाया था शैलेंद्र सिंह, वो सरकारी अधिवक्ता थे और वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए वहां से। पंकज, इस बीच हमारे साथ अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अभिषेक, बुलंदशहर की ये जो घटना सामने आई है, सबसे पहले इस पर आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगी। लगातार जो क्राइम यूपी में बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉलेसनेस फैल रही है, पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम का कोलैप्स हो गया है। अभी हमने देखा था किस तरीके से विमल जोशी जी को गोली मार दी गई थी जब उनकी भांजी को छेड़खानी कर रहे थे और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जो मनचले हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, उनका इतनी हिम्मत बढ़ गई क्योंकि बेसिक पुलिसिंग जो होनी चाहिए, किसी भी थाने में 15 तरीके की रिपोर्ट बनाई जाती है इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए, चाहे जो लोग छिड़खानी करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो जमीनों पे कब्जा करना करते हैं, उस बेसिक पुलिसिंग स्ट्रक्चर का कोलैप्स हो गया। उसका कारण है कि जो पॉलिटिकल नेतृत्व है वो हर चीज में इवेंट क्रिएट करना चाहता है, वो पुलिसिंग में भी इवेंट उसको अच्छा लगता है कि जहां जब मैं कहूँ ठोक दो तो ठोक दो, मैं कहूँ रोक दो तो रोक दो। तो आज सिर्फ वो चाहते हैं कि कोई एनकाउंटर किया जाए, उसको इवेंट की तरह बनाया जाए, उसमें खूब वाहवाही लूटी जाए और बाकी जो बेसिक पुलिसिंग है उसकी कोई चिंता नहीं। अब मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं, कि उन्होंने रोमियो स्क्वाड का एक घोषणा की थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी, कहाँ है आज वो रोमियो स्क्वाड, कहाँ है बच्चियों का संरक्षण? आज जिन ऑपरेशन का नाम लेकर सत्ता में आई थी पार्टी, क्या उन ऑपरेशन को बखूबी चलाया जा रहा है? यही तो सवाल है कि क्या मात्र एक लोक लुभावन ऑपरेशन और लोक लुभावन वादे थे ये? बिल्कुल नहीं चलाया जा रहा है। आप मुझे बताइए, कोई एक रिसोर्स एलोकेशन हुआ हो, कोई टीम गठित हुई हो, कोई मॉनिटरिंग का स्ट्रक्चर बनाया गया हो, कोई स्ट्रैटेजी इन प्लेस हो, कोई रिसोर्स एलोकेशन प्रोसेस उसके लिए कभी किया गया हो? कुछ भी नहीं किया गया। इन्हें सिर्फ बातें करनी है और ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह धर्म और जाति की राजनीति करके, चाहे मंदिर और मस्जिद की बात कर लीजिए, चाहे आप इनसे ईद और रमजान की बात करा लीजिए, दिवाली और उसकी बात करा लीजिए, और जब कुछ नहीं बचता है तो पाकिस्तान की बात करा लीजिए। ये सिर्फ इसी बातों में प्रदेश को और देश को उलझा रहे हैं। हमें गवर्नेंस के मुद्दों पे सवाल उठाना होगा, हम लोग लगातार उठा रहे हैं और इसका इनके पास कोई जवाब नहीं। गवर्नेंस के हर फ्रंट पे सरकार पूरी तरह से फेल। लेकिन आपको क्या लगता है कौन से ऐसी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी चाहिए ताकि इस तरह की के अपराध कम हो? सरकार तो एक्शन लेती है, अधिकारियों के तबादले कर देती है, तमाम तरह के यहाँ पर आदेश जारी किए जाते हैं, बावजूद इसके आखिर क्यों हौसले बुलंद है? देखिए, सरकार के ट्रांसफर करने किसी का कोई एक्शन नहीं है। हमने देखा किस तरीके से कानपुर में इतनी बड़ी घटनाएं हुई, लगातार हुई, किडनैपिंग हुई, मर्डर्स हुए, आप एक बीजेपी का मंत्री, उसमें जो जिला मंत्री होता है वो किडनैपिंग में पकड़ा गया और एसएसपी के साथ क्या हुआ, एक जिले से दूसरे जिले की कप्तानी मिल गई उनको। तो इससे किसी का कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं बनता, कोई कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस में कोई क्या होता है, पुलिस में किसी को हटाता है तो उसको लाइन हाजिर कर देते हैं। लाइन हाजिर कोई
सजा नहीं है पुलिस में। जैसे पोस्टिंग थाने में की जाती है वैसे एक पोस्टिंग होती है कि आप पुलिस की लाइन में आप पोस्ट किए जाते हैं, जब जहां जरूरत पड़ेगी रिजर्व में आपका ठीक है। अभिषेक जी मैं आपकी बात को समझ रही हूं, हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे ही पूछ लेते हैं क्या कहेंगे हरीश श्रीवास्तव जी, क्यों इस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं? आपके जो ऑपरेशन थे रोमियो स्क्वाड था, कई सारे आपने ऑपरेशन चलाए इन तमाम तरीके के क्राइम को काबू में करने के लिए, लेकिन उसका रिजल्ट तो जीरो है। हरीश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन अभिषेक मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अभिषेक जी आप कह रहे थे कि यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जो तमाम तरीके के तबादले किए जाते हैं अधिकारियों के, उससे आपको क्या लगता है कि कितना डिफरेंस आ रहा है क्राइम रिपोर्ट में? देखिए बिल्कुल नहीं आ रहा है, अगर आ रहा होता तो हम सब खुश होते, हम तारीफ भी करते। हम इसलिए नहीं बुराई कर रहे क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो बेसिक पुलिसिंग का स्ट्रक्चर है, जो बेसिक पुलिसिंग के प्रिंसिपल्स है, कम्युनिटी पुलिसिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। आज आपने देखा किस तरीके से आईपीएस अफसर ये इल्जाम लगा रहा है चिट्ठी लिख करके कि प्रदेश में आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग में पैसा लिया जा रहा है, सबने देखा पूरा। आज क्या कार्रवाई हुई इस पर? कुछ भी, कोई एक्शन हुआ? जब आईपीएस अफसर के लिखने पे कोई कार्रवाई नहीं होती और ये बात आम हो जाती है कि आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग में पैसा लिया जा रहा है, तो नीचे क्या हो रहा होगा वो आप समझ सकते हैं। एक और बहुत बड़ी दिक्कत इसलिए हो गई है क्योंकि लोगों को जो थाने पे पोस्ट हो रहे हैं उनको वो सिर्फ एक विशेष वर्ग और जाति के लोग पोस्ट हो रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल संरक्षण उनके पास है, उनका एसएसपी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं से उनको भी कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी अब क्या करेगी, मुझे ये जानना है। देखिए समाजवादी पार्टी में हम लोग इतना कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी आज तो सरकार में नहीं है, लेकिन हाँ अगर सरकार हमारी होगी हम एक ऑल्टरनेटिव विजन बनाएंगे, कम्युनिटी पुलिसिंग को मजबूत करना पड़ेगा। हरीश चंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। अभिषेक जी, हरीश चंद्र जी, कुछ आरोप है आप पर विपक्ष के, और लगातार जो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप जीरो टॉलरेंस की उससे आए थे और आपका ये कहना था कि इस तरीके के क्राइम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कहां गया जीरो टॉलरेंस वाला नीति? नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति अभी भी काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में किसी भी अपराधी को जरा से भी छूट रही है, कोई भी कहीं भी अपराध की घटनाएं घटती हैं, अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार सुनिश्चित करती है, किसी भी अपराधी के प्रति कोई शिथिलता नहीं है। ये अवश्य है कि जो अपराधी घटनाएं घटती हैं वो बहुत दुखद है, जो आपने बुलंदशहर की घटना जिसकी चर्चा की वो बहुत ही पीड़ादायी है, बहुत दुखद है, बहुत गंभीर समस्या है। ये जो अपराध के प्रति, तो जो योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति थी उसी के तहत आप ये देख रहे हैं कि अपराधियों के खिलाफ विदाउट एनी डिले तात्कालिक कार्रवाई होती है। लेकिन ये कैसी कार्रवाई होती है हरीश जी, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए कि ये कैसी कार्रवाई होती है कि विकास दुबे जैसे लोगों पर इतने सारे मुकदमे दर्ज थे, बावजूद इसके वो बाहर घूम रहा था और कई सारी घटनाओं को अंजाम दे रहा था, तो कार्रवाई कैसी होती है, कुछ ही देर की होती है क्या? नहीं, कुछ ही देर की नहीं होती। अपराधी विकास दुबे पे तो जिन सरकारों में उसको संरक्षण मिलता रहा, जिन नेताओं उसको संरक्षण देते रहे, उनसे भी सवाल बनता है। वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसने ये घटना नहीं घटी, वो तो अभिषेक जी यहां हमारे साथ जुड़े हैं। अगर आपका ये कहना है कि शुरू से ही इस तरीके के अगर बदमाश पल पोस रहे थे तो पिछली सरकारों का भी इसमें हाथ है, आपका ये कहना है? अभिषेक जी जवाब दें। देखिए आपने देखा होगा विकास दुबे की घटना वैसे तो आज इतनी बड़ी और इतनी दुर्दांत हो गई थी, लेकिन आपने देखा कि जब उसने घटना की बड़ी, तो पिछली बार भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी जब उसने थाने में घुस करके बीजेपी के ही एक राजमंत्री को गोली मार दी थी, और इतना बढ़िया कार्रवाई की बीजेपी वालों ने कि उसमें किसी ने गवाही भी नहीं दी सामने आकर के। उसके बाद जब दोबारा उसने इतनी बड़ी घटना की कि पूरे उत्तर प्रदेश का ध्यान गया उसके तरफ, वो फिर से बीजेपी की सरकार में हुआ, जब हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस तरह से चलाई जा रही थी कि ना उसका नाम भूमाफिया की लिस्ट में था, ना उसका नाम जिले की लिस्ट में था, ना उसका नाम एसटीएफ की लिस्ट में था, ना उत्तर प्रदेश की डीजीपी की लिस्ट में था, और पुलिस उसके पैर छू रही थी, उसके साथ पार्टी कर रही थी, उसके साथ डांस कर रही थी उत्तर प्रदेश में, जो बीजेपी सरकार चला रही। क्यों नहीं मोस्ट वांटेड अपराधियों के नाम शामिल रहते हैं उस लिस्ट में जहां सारे ऐसे बदमाशों के नाम लिखे जाते हैं? हरीश जी जवाब दें, बुलंदशहर के मामले में आप अब क्या करेंगे? नहीं देखिए,
जिन लोगों का नाम अभिषेक जी ने गिनाया उन सबके खिलाफ कार्रवाई हुई और अभिषेक जी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जो ये विकास दुबे नाम का दुर्दांत अपराधी था इसकी पत्नी को उन्होंने टिकट दिया था और इसके गिरोह के एक जो गुड्डन त्रिवेदी करके एक दुर्दांत अपराधी था उसके घर उसके बैठ के फोटो खिंचाई थी। तो ये अभिषेक जी अपने अंदर झांकना नहीं चाहते कि इनकी सरकारों में क्या हुआ। अभिषेक जी दूसरे को किस तरह से इनकी सरकार में अपराधियों का और माफियाओं को संरक्षण हुआ अभिषेक जी अपने अंदर नहीं झांकना चाहते। और जहां तक योगी सरकार की बात है उसमें किसी भी अपराधी को न कोई संरक्षण है और न किसी तरह का किसी अपराधी को कोई छूट है। सभी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हुई और जो पुलिस अधिकारी जिन लोगों ने उसका उसके गिरोह से मिले थे उनके भी खिलाफ कार्रवाई हुई। ठीक है, ये बात कहना अभिषेक जी का, अभिषेक जी कभी अपने अंदर झांकेंगे नहीं। ठीक है हरीश जी, सरकार मैं आपकी बात को समझ रही हूँ। ठीक है अभिषेक जी बोलिए। करके हवाई जहाज में उड़ते थे, इनको पता है कि उनके साथी जो जो अब एक्चुअली हरीश जी जिनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा था उनको मुख्यमंत्री अपने साथ मंच शेयर करते थे। तो अभिषेक जी क्या जवाब देंगे? अभिषेक जी आज बात कह रहे हैं, हरीश जी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, तो अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। सुनने का दम भी रखिए, जवाब लीजिए। तो अब मैं इनका जवाब दे दूं, जवाब दे रहे हैं। ठीक है हरीश जी, अभिषेक जी को बोल देने दीजिए। जी बोलिए अभिषेक जी, 10 सेकंड में दे दूंगा। के साथ उनका फोटो है आपके, 10 सेकंड का कि नहीं है? 10 सेकंड। ठीक है ठीक है हरीश जी, आपके सवाल सुन लिया है अभिषेक जी ने, अभिषेक जी जवाब देंगे। ठीक है अभिषेक जी जवाब दे। जी दो सवाल इन्होंने उठाए, दोनों पर जवाब दे रहा हूँ। पहला सवाल इन्होंने उठाया कि हमने उनको चुनाव लड़ाया, ऑन रिकॉर्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है हमने कभी चुनाव नहीं लड़ाया आज तक कभी। जिस चुनाव की बात कर रहे हैं उसमें एक दूसरी महिला हमारे यहाँ से चुनाव लड़ी थी, वो ऑन रिकॉर्ड है। इलेक्शन कमीशन की आप वेबसाइट खोल लेंगे। हरीश जी को मैं चैलेंज करता हूँ आपके नेशनल उस पर, मेरा चैलेंज है हरीश जी ला करके कागज दिखा दें। उनको फॉर्म भी दिया गया होगा पार्टी का, जो पर्चा दिया जाता है, और अगर वो दिखा देंगे तो मैं इनकी बात मान लूंगा और आज के बाद जीवन में कभी ये बात नहीं कहूंगा, और नहीं तो इनसे कह दीजिए आज के बाद जीवन में कभी ये बात ना कहें। ये पहली बात का जवाब हो गया। दूसरा, गुड्डन त्रिवेदी को जिसको इन्होंने बताया कि उनके साथ का था, उसको एसटीएफ ने बंबई से पकड़ा, यहाँ लाए तो उन्होंने कहा नहीं साहब गलती हो गई, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ थे ही नहीं। तीसरा, इन्होंने बात की फोटो की, फोटो में उस आदमी की फोटो इनके मुख्यमंत्री के साथ है, इनके लॉ मंत्री के साथ है, इनके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ है। तो अब ये अपने मुख्यमंत्री से सवाल क्यों नहीं पूछता? अपने मुख्यमंत्री से पूछे ना भाई साहब कैसे आपने फोटो खिंचवा ली उसके साथ, जो इतना बड़ा दुर्दांत अधिकारी था जिसने 8 पुलिस वालों को गोली मार दी। तो मानिए हरीश जी, मैं बिल्कुल निवेदन से मर्यादा में रहते हुए कहना चाहूंगा कि हम उस पर इल्जाम मत लगाइए जो तथ्य गलत है। लेकिन अभिषेक जी और हरीश जी, मुझे एक चीज बोलना है, कोई राजनीति नहीं, तमाम तरीके के वादे जो किए गए थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्यों आखिर बेटियों के साथ में इस तरीके की घटना हो रही है? हरीश जी, मैं उम्मीद है आपसे, विश्वास है आप पर, आपकी पार्टी पर, कि इस तरह की घटनाओं पर आप जरूर अंकुश लगाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। जो मंचले इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे थे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्या मैं ये कह सकती हूँ? हम भी विश्वास, कोई ऐसा मंचला, कोई ऐसा इस तरह के अपराधों में लिप्त पाया गया हो, कोई अपराधी जिसके खिलाफ कार्रवाई न की गई हो, तो आप मुझे बताइए, पहली बात। दूसरी बात कि आप मुझे सजेस्ट करिए, आपने बताया कि दो मंजिले ने छेड़छाड़, उसमें एक्सीडेंट हुआ, उस बच्ची की जान चली गई, निश्चित रूप से बहुत पीड़ादायी घटना है, लेकिन आप मुझे बताइए कि ये इस घटना के पहले जिन जिन लोगों ने वारदात की उनको किस आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई होती? उनके मस्तक पे तो लिखा नहीं कि इस तरह की कार्रवाई करने जा रहे हैं। एक सामाजिक समस्या भी है, हमको हम सबके लिए बहुत दुखद घटनाएं हैं, पूरे समाज के लिए कलंक कर देने वाली घटनाएं हैं, लेकिन इसका जो भी मॉडल कोई सजेस्ट करे ये मॉडल है, इसे फुल प्रूफ इस तरह के अपराध नहीं होंगे, सरकार बिल्कुल उस तरह के मॉडल को अपनाने को तैयार है। आप मुझे बताइए कि आखिर कौन सा मॉडल हो सकता है जो मंचला उठा रही है, वही आपको मॉडल बता दे कि हाँ इस मॉडल पर काम करें ताकि बदमाशों पर अंकुश लगाया जा सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय की कमी है। हरीश जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।